गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड हिंदी ग्रामर। पहले मैं आप लोगों को संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा चुकी थी, उसमें विशेषण बचा था, विशेषण और क्रिया। जैसे विकारी शब्द हमने पढ़े थे उसमें से संज्ञा और सर्वनाम हो चुका था, और विशेषण में आप लोगों को होमवर्क दी थी करने के लिए, लेकिन किसी ने भी मुझे होमवर्क कंप्लीट करके सेंड नहीं किया। तो फिर मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। विशेषण किसे कहते हैं, आज पढ़ेंगे हम विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे सुदन एक गरीब लड़का था, सुदन एक गरीब लड़का था, तो गरीब क्या होगा, यह विशेषण हो जाएगा। और सुदन, सुदन की विशेषता बताई जा रही है ना, तो विशेष्य क्या होगा, सुदन हो जाएगा। शिवाजी वीर पुरुष थे, तो वीर जो है यह विशेषण है और शिवाजी विशेष्य। जगन तुम इतने उदास क्यों हो, तो उदास किसकी विशेषता बताई जा रही है, कौन उदास है, जगन, तो जगन यहाँ विशेष्य हो जाएगा और विशेषण उदास हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही जो विशेषण है चार प्रकार का होता है। विशेषण कितने प्रकार का होता है, चार प्रकार का। जैसे फर्स्ट पर है गुणवाचक विशेषण, सेकंड पर है संख्यावाचक विशेषण, और थर्ड पर है परिमाणवाचक विशेषण, फोर्थ पर है सार्वनामिक विशेषण। समझ में आया, चार विशेषण होते हैं, यानी विशेषण के चार प्रकार होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो इनका जो है बारी बारी से हम परिभाषा और उदाहरण सहित हम देखते चलेंगे, और जो भी डाउट होगा इसमें क्लियर होता जाएगा। ठीक, जो नहीं समझ में आएगा आप लोग सेंड करना, व्हाट्सएप करना, मैं आप लोगों को अच्छे से मतलब बताऊँगी फिर से। ठीक, तो देखेंगे हम, आप लोग ध्यान से भी देखिए सुनिए। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। परिभाषा है इसकी, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप आकार आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप आकार आदि की विशेषता बताता है जो शब्द, वही क्या कहलाता है, गुणवाचक विशेषण। तो गुण में क्या आ जाएगा, जैसे मधुर, मीठा, लाल, पीला, उदार, ईमानदार, सत्यवादी, ये सब किस में आ जाएगा, गुण में आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण में। जैसे एग्जाम्पल है कोयल का स्वर मीठा है, कोयल कैसी है, उसका स्वर कैसा है, मीठा है, वह मीठा बोलती है स्वर कोयल, तो कोयल क्या हो जाएगी, विशेष्य हो जाएगी, क्योंकि कोयल की ही विशेषता बताई गई है कि किसका स्वर मीठा है, यानी किसका स्वर मीठा है, कोयल का, तो कोयल जो है विशेष्य हो जाएगा और विशेषण क्या हो जाएगा, मीठा, यानी वह उसका स्वर जो है, बोली कैसी है, मीठा है, मधुर है। सेकंड है उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, सफ़ेद साड़ी, तो यहाँ साड़ी क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ये साड़ी की विशेषता है ना, साड़ी कैसी है, सफ़ेद है, तो सफ़ेद यहाँ जो है आपका विशेषण हो जाएगा और साड़ी विशेष्य हो जाएगी। ठीक, तीसरा देखिए पुनीत के विचार उदार हैं थे, पुनीत के विचार कैसे थे, उदार थे,
तो उदार विशेषण हो जाएगा। जिसे यहाँ देखिए आप लोग, उपर्युक्त रेखांकित शब्द संबंधित संज्ञा या सर्वनाम का कोई न कोई गुण बताकर उसकी विशेषता प्रकट करता है, अतः ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण हैं। आप ऐसे भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे सीता मधुर गाती है, तो गाती है मधुर, कौन मधुर गाता है, तो सीता, तो मधुर। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, तो सत्यवादी थे, क्या थे, उनका स्वभाव था, गुण था सत्यवादिता, तो सत्यवादी भी गुणवाचक में आ जाएगा। अब हम देखेंगे सेकंड पर है, गुणवाचक विशेषण हो गया, अब देखेंगे संख्यावाचक विशेषण, ऑब्जेक्टिव ऑफ नंबर, यही है ना। तो इसकी परिभाषा है, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। सिंपल सी बात है, संज्ञा या सर्वनाम का ही तो विशेषता बताएगा, विशेषण कहलाएगा, जो बताएगा वो विशेषण हो जाएगा, और संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को जो बताएगा वो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक। तो इसमें जैसे क्या होता है, 2, 3, 4 ये संख्या है ना, ये संख्यावाचक विशेषण भी दो होते हैं, कैसे होते हैं, दो होते हैं, एक जो है निश्चित संख्यावाचक होता है और एक है अनिश्चित। तो निश्चित संख्यावाचक में उसका जो माप होता है वह दिया रहता है, 1, 2 निश्चित रूप उसका रहता है, और अनिश्चित में क्या होता है, मालूम नहीं देता है कि वह कितने हैं, कुछ, कई, सारे, सैकड़ों। तो देखो यहाँ दिया है फर्स्ट पर निश्चित संख्या, 2, 3, 4, 2.5, तो वो क्लियर रहेगा कि वह कितना है, किसी भी वस्तु की संख्या कितनी है, किसी भी व्यक्ति की संख्या कितनी है, मतलब संख्या बताई जाएगी, क्लियर रहता है संख्या, तो वो क्या कहलाता है, निश्चित वाचक संख्या। अनिश्चित संख्या में क्या होता है, कुछ, कई, सारे, सैकड़ों इत्यादि, ये सब क्या है, इसमें मतलब निश्चितता नहीं होती है। जैसे हम कह सकते हैं कुछ लोग आ रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल, कुछ लोग आ रहे हैं, तो कुछ लोग निश्चित नहीं है ना, आज मेरे घर 2 लोग आने वाले हैं, तो 2 लोग कितने लोग आने वाले हैं, 2 लोग, तो 2 लोग क्या हो गए, 2 हो गए निश्चित संख्यावाचक, और कुछ लोग आने वाले हैं यानी अनिश्चित संख्यावाचक, क्लियर। अब आप देखिए उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल फर्स्ट पर है, वहाँ कई लोग खड़े थे, कई लोग, ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछ देगा एग्जाम्पल, और आपको बताना रहता है कि यह कौन सा, मतलब सर्वनाम का एक कौन सा रूप है, तो कई क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक, लेकिन आएगा संख्यावाचक विशेषण में ही आएगा, ठीक। आगे देखते हैं, इधर दिया है सेकंड पर है, उसने 10-10 के 4 नोट दिए, यहाँ तो क्लियर हो रहा है ना, 4 नोट, 10 के कितने नोट हैं, 4 नोट हैं, तो 4 क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ संख्या का बोध हो, आपको मालूम पड़े जिस वाक्य में कि किसी संख्या का बोध हो रहा है, या वस्तु का, वस्तु की संख्या है, या सर्वनाम की संख्या है, या नाउन की, अरे संज्ञा का, तो वो सब किस में जाएगा, संख्यावाचक विशेषण में। कुछ लुटेरे मेरे पीछे पड़े थे हैं, तो ये भी है कुछ। उसने 2.5 किलो मिठाई खरीदी, अब इसमें देखो 4, कुछ, 2.5, ये सब क्या है, ये जो है संज्ञा की संख्या का बोध करा रहे हैं ना, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएंगे, ठीक। अब हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक। तो इसकी परिभाषा है, जिस संज्ञा से संज्ञा का सर्वनाम के, यानी जिस विशेषण से
संज्ञा या सर्वनाम के नाप तौल आदि का बोध होता है वह या उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हमें ध्यान देना है, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसका माप तौल होता है, माप तौल से लिया जाता है, अधिक थोड़ा बहुत परिमाप होता है ना, पर्याप्त काफ़ी ज़्यादा। जिस वाक्य में ऐसे शब्द दिखे आप लोगों को तो समझो कौन सी संज्ञा, कौन सा मतलब वो है विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, अब मैं उदाहरण दिया है, पहले की अपेक्षा अब अधिक अन्न उपजा है, अधिक अन्न मैं बताया ना, अधिक, डाक बंगला 3 किलोमीटर दूर है, उसके पास बहुत धन है, सोनिया का कुटुंब काफी बड़ा है। देखो ये विशेषण संबंधित संज्ञा या सर्वनाम का क्या कर रहे हैं, परिमाप बता रहे हैं, परिमाप सूचित कर रहे हैं, जैसे अधिक, 3 किलोमीटर, बहुत, काफी, ऐसा परिमाणवाचक विशेषण आएंगे, कहलाएंगे। समझ में आ रहा है। अब फोर्थ पर है सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। यहाँ संकेत दिया जाता है, यहाँ जो है जो विशेषण संकेत के द्वारा किसी का बोध कराता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे क्या दिया है, ये लोग अब यहीं रहेंगे, इस देश की विविधता में एकता है, वह लड़का अच्छा है, पत्थर उस लड़के ने उठाया था, उस लड़के ने, संकेत वाचक है। सर्वनामिक में सर्वनाम से लिया जाता है, सर्वनाम में तो नाम रहेगा नहीं, सर्वनाम में तो नाम के जगह पर सर्वनाम का प्रयोग होता है ना, जैसे भी, यह, उसे, इसे, इस, वह, ये सब शब्द जब आ जाए जिस वाक्य में तो क्या कहलाएगा वह, क्या कहते हैं, सर्वनामिक है, संकेतवाचक विशेषण। तो ये लोग अब यहीं रहेंगे, ये देखो आ रहा है, इस देश की विविधता में भी एकता है, इस, वह, उस, ये सब विशेषण जो संबंधित संज्ञा द्वारा संकेत या सर्वनाम का बोध कराते हैं, अतः ये संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। ठीक, सूचना है आप लोगों के लिए, कुछ विशेषण रूप संज्ञा सर्वनाम तथा क्रिया के कुछ प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे हिंदुस्तान से होता है हिंदुस्तानी, व्यापार से व्यापारी, पीना से पिलाना, दौलत से दौलतमंद, जहर से जहरीला, राष्ट्र से राष्ट्रीय आदि। ये कहने का मतलब है कि विशेषण जो है ना कुछ प्रत्यय लगा के, संज्ञा या सर्वनाम में कुछ प्रत्यय लगा दिया जाता है, प्रत्यय लगा करके वह क्या किस में बदल जाएगा, संज्ञा ही रहेगा या सर्वनाम ही रहेगा, लेकिन उसके उसमें क्या लगा दिया जाता है, शब्द के पीछे अंत में लगा दिया, प्रत्यय लगा करके उसका रूप बदल जाता है, यानी वह विशेषण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दौलत, दौलत क्या है, संज्ञा है, तो मंद यदि उसमें प्रत्यय लग गया तो दौलत मंद हो जाएगा। जहर, जहर में जहर इला लगा देंगे तो जहरीला हो जाएगा। राष्ट्रीय, राष्ट्र में यह प्रत्यय लगेगा तो राष्ट्रीय हो जाएगा। तो ऐसे ही मतलब विशेषण के लिए सूचना दिया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वनाम या संज्ञा में ही प्रत्यय लगा करके उसको चेंज कर देते हैं विशेषण में डायरेक्ट। ठीक, समझ में आ रहा है, आज बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम जो है आपको मैं क्रिया पढ़ाऊंगी। ठीक, थैंक्स। और आप लोगों को मैं होमवर्क दे रही हूँ, होमवर्क आप लोग कंप्लीट करके आप लोग सेंड करना, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रही हूँ, निम्नलिखित अधोरेखित शब्द का भेद पहचानिए, आपको भेद पहचानना है, और दूसरा क्या है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट पर है कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए, जैसे क्या है, सन्यासी, अचानक,
सुशील, प्राचीन। चार हैं, चार का जो है आप लोगों को वाक्य में प्रयोग करना है अर्थपूर्ण। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अधोरेखित शब्द का भेद पहचानिए। किसी जमाने में एक अत्यंत रूपवती पहाड़ी कन्या थी, ठीक, दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। इसमें आपको शब्द का भेद पहचानना है, कौन सा शब्द है, संज्ञा सर्वनाम में जो भेद है ना, विकारी अविकारी, इसमें से कौन सा इसका रूप है, ठीक। तीसरा है, साहब फिर कब आएंगे, आएंगे माँ। फोर्थ पर है, मुझे फांसी दी जा रही है। पांचवा है आपका, जंगल में लाल रंग की लपेटें उठ रही हैं, लपटें। तो लाल जो है कब, मुझे, ए जो है कौन सा मतलब भेद है, आपको ये पहचानना है और लिख करके हमें सेंड करना। ओके, थैंक्स।